वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, रोजाना के डे टू में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों वैसे बता दूं कि आज जो है उठने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, क्योंकि रात को करीब करीब हम 3:30-4 बजे सोए थे। देर रात तक हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और आपको पता है कि रात को हमने गिटार नाइट भी की थी, तो बहुत ही मज़ा आई थी, बहुत ही फ़न टाइम रहा था हमारा। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग को मैं उठ नहीं पाया हूँ। इस वक्त करीब करीब 9:15 बज चुके हैं और क्योंकि लोनावला में लॉकडाउन के चलते सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो खोला जाता है, ताकि आप अपनी ज़रूरत के सामान यहाँ से मार्केट में जाके ले सको। तो मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है फैमिली के लिए यहाँ पे खाने पीने के लिए, और साथ में मैं एक वॉक भी लूँगा अभी। तो अभी बस एक चाय लेके सीधे वॉक के लिए निकलूँगा और कुछ ज़रूरी सामान मार्केट से जाके लेके आऊँगा, और उसके बाद का क्या शेड्यूल है अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन जो भी होगा मैं बताऊँगा और उसे शूट भी करूँगा। थैंक यू। दोस्तों हम सब अभी सीधे मार्केट की ओर बाहर निकले हैं, कुछ शाम के लिए खाने के सामान का हमें इंतज़ाम करना था। सारी फ्रेश वेजिटेबल इस वक्त बाहर अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों बंगलों से ठीक है, जो बंगलों का जो मेन गेट है आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ से ठीक लेफ्ट में अगर आप आगे जाते हो तो सामने एक रेलवे फाटक है, जिसे क्रॉस करने के बाद में लोनावला का पूरा सब्जी मार्केट और ग्रोसरी शॉप्स वहाँ पे अवेलेबल है। लॉकडाउन के चलते ये मार्केट जो है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुले रहते हैं। दोस्तों जैसे ये ट्रेन निकलेगी हम इस फाटक को क्रॉस करके उस मार्केट में जाएंगे। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं इसे, और क्रॉस करके हम सीधे मार्केट में आ चुके हैं, और यहीं पे मौजूद एक दुकान से हमने शाम के खाने के लिए ब्रेड और दूसरी आइटम जो थी ले ली है। इस वक्त मैं बंगलो के टेरिस पर आया हूँ और यकीन माने इतना खूबसूरत नज़ारा इस वक्त मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि जोरों से बारिश हो रही है। मैं आपको यहाँ का एक्चुअल नज़ारा वीडियो शूट करके दिखाता हूँ, देखिए मेरे सामने का दृश्य कितना खूबसूरत है। दोस्तों इस वक्त हम बंगलो से निकल के एक ऐसी जगह पे आए जिसपे मैं काफ़ी टाइम से जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया था, तो इस बार खास तौर पे मैं कार लेके यहाँ पे आया हूँ। देखिए मेरे पीछे सारी कार हमने पार्क कर ली है यहाँ पे, और यहाँ से जो है हम सीधे टुंगरली डैम पे जा रहे हैं। टुंगरली डैम यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, और स्पेशली बारिश के टाइम पे यहाँ पे आने का अपने आप में बहुत मज़ा है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम चाहते तो कार को नीचे पार्क करके वहाँ से भी चल के ऊपर आ सकते थे, लेकिन 6-7 बजे तो हमने सोचा कार को थोड़ा ऊपर लेके आए, और अब यहाँ से हमने कार पार्क करके ठीक मेरे जो सामने रास्ता है वो टुंगरली डैम की तरफ जाते हैं, और ये रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है। देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे क्लाइम करके जो है हमें ऊपर की ओर जाना है, और ये जो है वो डैम है, इसके दूसरी तरफ जो है मैं आपको पूरा डैम देखने मिलेगा। तो रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है, एक्साइटेड है, और मज़ा आने वाली ऊपर चढ़ के वहाँ पे, और फोटोग्राफी के लिए भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत मज़ा आएगी। वैसे बताऊँ कि आज करीब करीब हमने 2 घंटे आज फोटोग्राफी की है बंगलों के बाहर, बहुत अलग अलग जैकेट्स में क्लोथ चेंज कर करके बच्चों के साथ बहुत सारी फोटोग्राफी की है। तो अब जो है फोटोग्राफी का मज़ा हम यहाँ पर भी लेने वाले हैं। देखिए इस तरफ कितना खूबसूरत माहौल है, बारिश के कारण जो है बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी जो है यहाँ से देखने मिल रही है, बहुत ही खुशनुमा माहौल है। हो सकता है कि बारिश फिर से एक बार अभी यहाँ पे हो जाए, पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से जो है मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखाऊंगा लोनावला का। ये देखिए यहाँ आया, ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। देखिए ऐसी जगह पे आने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन आने के बाद जो इसका व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलती है। चलिए दोस्तों यहाँ से अभी आपको मैं आगे लेके चलता हूँ टूवर्ड्स डैम की तरफ। ठीक मेरे सामने देखिए पानी यहाँ पे भरा हुआ है, चूंकि अभी तक बारिश यहाँ पे पूरी तरह से हुई नहीं है तो पूरा डैम फुल नहीं है, अदरवाइज ये डैम जो है पूरा भरा हुआ होता है। मैं आपको यहाँ से आगे की ओर लेके चलता हूँ, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये,
मैं यहाँ पे 500 बार आ चुका हूँ लोनावला में, लेकिन कभी मैंने इस डैम को एक्सप्लोर नहीं किया। पिछली बार एक लड़का मुझे मिला था पर्पल सीजन में, जब मैंने स्टे किया था, तो उसने मुझे इसके बारे में कहा कि तुम इतनी वॉक करते हो लेकिन तुम कभी इस डैम की तरफ क्यों नहीं गए, और मुझे हकीकत में यहाँ पे आने का रास्ता नहीं पता था। तो आज स्पेशली पूरी फैमिली के साथ मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। और सच कहूँ दोस्तों, तो ये देख के दिल इतना खुश हो गया है, ऐसा लग रहा है कि वाओ दैट्स सो नाइस, सो ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए नीचे की तरफ जो है मेरी कार खड़ी है सारी, हम इतना ऊपर आ चुके हैं, सामने लोनावला सिटी जो पूरी दिख रही है आपको, आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बादलों से घिरा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त की जोरों की बारिश यहाँ से होने वाली मुझे लग रहा है। और ये जो रास्ता है यहाँ से चल के होते हुए टूवर्ड्स डैम की ओर हमें जाना है, थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे आपको शांति से बैठना है और शांति से चलना पड़ेगा, आपको थोड़ी भी ढाई करना रिस्की हो जाती है, पैर स्लिप हो गया तो आप सीधे अंदर की ओर पानी में गिर सकते हो। अभी एग्जैक्ट मैं सेंटर में आ गया हूँ, देखिए ये एग्जैक्ट सेंटर पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं आपको ये डैम दिखा रहा हूँ, ये देखिए। हाय एवरीवन, हाय हाय, बच्चे जो सारे इस वक्त वहाँ नीचे चल के गए डैम के पास, और ये देखिए यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा, ब्यूटीफुल प्लेस। सच कहूँ दोस्तों, तो आज पूरे दिन मैं शूट करने के मूड में नहीं था, क्योंकि लोनावला में इतनी बार आ चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शूट करने के लिए ऐसा कुछ खास होता नहीं कि मैं कुछ शूट करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। लेकिन आज हकीकत कहूँ, इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद में दिल खुश हो गया, और इस व्लॉग में एक समझो कि जान आ गई है। और सुबह के बाद में मैंने कैमरा जो है इस वक्त अभी बाहर निकाला है इस दृश्य को शूट करने के लिए, और सच में इतना फ्रेश, इतना सुपर फील कर रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। फिर से एक बार आपको मैं सामने स्काई दिखाता हूँ, देखिए। अभी इस जो डैम के ऊपर से चलते हुए सीधा मैं नीचे की ओर जाऊंगा, जो पीछे वहाँ पे जो मेरी फैमिली पूरी खड़ी है, एकदम डैम के पास, मतलब लेक के एकदम पास में जाऊंगा यहाँ से। करीब 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से मुझे उतर के नीचे चलना है। और कल के दिन भी, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कल शाम को 4 बजे से लेके करीब 7-7:30 तक मैं यहीं पर आऊँ फैमिली के साथ में, और थोड़ा खाना पीना भी साथ में लेके आऊँ, और इस खुशनुमा माहौल में बैठ के म्यूज़िक वगैरह प्ले करूँ और फैमिली के साथ इंजॉय करूँ, बिकॉज़ जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या कहूँ। बारिश के महीने में, बारिश के सीज़न में, इतने खूबसूरत लोकेशन पर जहाँ चारों ओर हरियाली हो, ठंडी हवाएँ हो और एक लेक हो, तो बस और क्या चाहिए आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है इस वक्त ही मेरा। यहाँ से अभी देखिए चढ़ के मैं सीधा आगे की ओर बढ़ रहा हूँ यहाँ से। दोस्तों करीब करीब 2 घंटे यहाँ पे इंजॉय करने के बाद में अब घर पे जाने का वक्त हो गया है, बिकॉज़ कि अंधेरा होने वाला है तो घर पे निकलना समझदारी होगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब भी कभी लोनावला आते हो तो मैं आपको ये इंसिस्ट करता हूँ कि आप टुंगरली डैम पे ज़रूर आइए, क्योंकि ये लोकेशन बहुत 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 खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात इस लोकेशन के बारे में बता दूँ, अगर आप भी मेरी तरह फोटोग्राफी के दीवाने हों, बहुत ही अच्छी लाइट में अगर बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट पिक्चर कैप्चर करना चाहते हो, या किसी भी एंगल में किसी भी तरह के कैमरे से अगर आप फोटोग्राफ क्लिक करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं है फोटोग्राफी के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, हम सब ने मिल के यहाँ पर करीब करीब 550 से 600 फोटोग्राफ क्लिक किए हैं, कैन यू इमेजिन। तो सब एडिट करने के बाद में
इंस्टाग्राम पेज पे सारे फोटोग्राफ जो है मैं अपलोड करने वाला हूँ। बस यकीन मानो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाली, बहुत मीन्स बहुत मज़ा आने वाली है। आज जो मुझे यहाँ पे कंटेंट मिला है व्लॉगिंग के लिए, ट्रस्ट मी, अनबिलीवेबल। चलो दोस्तों, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं घर पे भी जाना और फूड भी ऑर्डर करना है, तो और कुछ इस बिटवीन में मुझे अच्छा लगा तो मैं शूट करूँगा। लेकिन इस वक्त ठीक मेरे सामने का जो व्यू है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए ठीक मेरे सामने।